आज की प्रेस मीट बुलाने का मकसद उद्देश्य ये है कि एजुकेशन सिस्टम आज जो भारत में चल रहा है इसको केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जून का महीना चालू हुआ है और पेरेंट्स को इंस्टीट्यूट से फ़ोन आ रहे हैं कि बच्चों की फ़ीस जमा कीजिए, ऑनलाइन क्लासेस लेना है। ऐसे हालत में ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए कम से कम 15,000 का एक फ़ोन चाहिए और हर महीना 300 रुपये की करेंसी डालना पड़ेगा उसमें, जबकि पैंडेमिक के चलते लोगों के पास घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, ट्रांसपोर्टिंग के लिए आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। ऐसे हालात में केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से आम आदमी पार्टी का ये डिमांड और मुतालबा है कि गाइडलाइंस जो आने वाली है आने वाले दिनों में स्कूल चालू होने के मुतालिक, उसमें आम आदमी पार्टी का ये डिमांड है कि उसमें कुछ ऐसे नियम ऐसे कानून लागू किए जाएँ जो पेरेंट्स के लिए सहूलत हो। ऐसे पैंडेमिक हालात में महामारी के चलते जिन मुश्किलात से आज भारत चल रहा है उसके चलते हमारा ये डिमांड है आम आदमी पार्टी का कि कुछ राहत देने का काम हमारी राज्य सरकार करे। मैं माननीय येडियुरप्पा जी से आम आदमी पार्टी के पक्ष से ये बात कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में स्कूल चालू होने के लिए जो गाइडलाइंस आएंगे उसमें पेरेंट्स के लिए इस पर तवज्जो दी जाए, ध्यान दी जाए। और स्कूलों से जो ऑनलाइन क्लासेस की बात हो रही है, जिस तरीके से स्टूडेंट पढ़ सकते हैं वो ऑनलाइन पे नहीं पढ़ सकते, अगर ऑनलाइन क्लासेस होते भी हैं तो फीस का 10वां हिस्सा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को ये आदेश दे कि फीस का 10वां हिस्सा जो है पेरेंट्स से लिया जाए। दूसरा, पेट्रोल और डीजल के जो दाम दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, हम पिछले में भी प्रोटेस्ट किए हैं, सारा देश प्रोटेस्ट कर रहा है, उसके बावजूद गवर्नमेंट फीस से मिस नहीं हो रही है। गवर्नमेंट से आम आदमी पार्टी का ये मुतालबा है कि पेट्रोल की कीमतों पर रोक लगाई जाए। और तीसरा, 7 तारीख को राज्य हमारे राज्य के जो प्रेसिडेंट है पृथ्वी बैठी जी और उनकी पूरी टीम बीदर डिस्ट्रिक्ट को आ रही है, TPZP इलेक्शन के मामले में इस पर बात होगी, चर्चा होगी और इनके आने का जो है 7 तारीख को जो प्रोग्राम है उसमें बसों कल्याण से भी बहुत सारी तादाद यहाँ से वहाँ पहुँचेगी। इसमें खाली गवर्नमेंट से मुतालबा है या स्कूल वाले प्राइवेट जो स्कूल है उनसे भी मुतालबा है? प्राइवेट स्कूलों से ये मुतालबा है कि वो पेरेंट्स को ध्यान देते हुए पैंडेमिक का जो है हालात कुछ चलते उनको राहत दे और उनसे फीस पूरी लेने का डिमांड ना करें। 25% या 10% फीस लेकर बच्चों को पढ़ाया जाए, क्योंकि ये हमारे जो बच्चे पढ़ने वाले हैं ये देश का फ्यूचर मुस्तकबल है, इनके ऊपर ज्यादती ना की जाए। जो लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, जो लेक्चर दे रहे हैं, जो टीचिंग दे रहे हैं, इनका आज के दिहाड़ी मजदूर जो है 200-300-400 जो कमाता है उससे भी हालत इनकी ख़राब है। कर्नाटक सरकार से ये मुतालबा है कि इनके लिए कुछ फंड जारी किया जाए और इंस्टीट्यूट का भी ये काम है कि अपने पास के जो स्टाफ है उसकी देखभाल की जाए, उन्हें कम से कम 50% उनका जो है पगार उन्हें दी जाए। स्कूल बंद होने के बावजूद भी उनका घर किस तरीके से चलेगा ये देखते हुए तमाम इंस्टीट्यूट वालों से हम ये डिमांड करते हैं कि अपने स्टाफ के लोगों को कम से कम 50% सैलरी उन्हें दी जाए। इसमें और एक है कि आपने कहा कि प्राइवेट टीचर्स को इंस्टीट्यूट वाले दिए, तो आप फीस लेने की कम बात कर रहे हैं, तो प्राइवेट मैनेजमेंट कहाँ से देगा टीचर्स को सैलरी? मैनेजमेंट जिस वक्त स्कूल के लिए अप्लाई करता है उसमें फॉर्म में ये लेता है कि ये जो है सोशल फॉर्म है और जो है हम जो है लोगों की सहायता के वास्ते ये स्कूल खोल रहे हैं, बल्कि उसमें वो एक कॉलम रहता है उसमें वो एग्री होता है। वो किसी भी तरीके से मैनेज करता पैसे किसी भी तरीके से कर चैरिटेबल ट्रस्ट है बोल के वो परमिशन लेता है। तो ऐसे पैंडेमिक हालात में जब परमिशन है तो पैंडेमिक हालात बार बार नहीं आते, जब आए हैं तो आपका काम है आपके अपने स्टाफ की सहायता करना है कि ना दूसरे लोग मंग रहे आपसे, आप अपने स्टाफ को पगार दीजिए। पैंडेमिक सिचुएशन ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಪೋಷಕರಿಂದ ಏನು ಫೀಸನ್ನು ಉಸಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಏನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅಜೆಂಡಾನೇ ಇದೆ ಇವತ್ತಿಂದು.
विषय के नम सरकार याद गमन को पेरेंट्स बेदू चलवे स्ट्रईक याद ताद स्पंदन को अदे ना नम पक्षद राज्यद्यंत इंदू सण सांकेतिक होराट मुखातर सरकार के वो चुरक मुड़स के प्रयत्न पड़ता है सरकार इंटरफेर तक हाईकोर्ट जज अध्यक्षत सुपरवाइजर्न कमिटिया निर्मी एकरूप फी स्ट्रक्चर नम पक्षद उद्देश आगे अलव नम सार्वजनिक कष्टकर संदर्भदल्ली अवर बद कटकोलिक्के अनुकूल आगतक्कंत वातावरण क्रियेट आगते जोतेगे इंदु अवैज्ञानिक रीतियल्लि सरकार केंद्र सरकार आगिरबहुदु राज्य सरकार आगिरबहुदु पेट्रोल डीजल रेट अन्नु सुम सुम्मने हेच्च माड्ता इद्दारे नावु गमनिस्तिद्दीवि सुमारु 10 वर्षदल्लि ನಾವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಏನು ರೇಟ್ ಇದೆ 105 ರೂಪಾಯಿ ಅತ್ತತ್ರ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡರಿ ಅಂತಕಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇಂತ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಮುಂದೆನೂ ಕೂಡ ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಬಯಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ನಮ್ಮ ಲಾರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರಂತೂ ದಿನ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೇಟ್ ಯಾವುದೇ ಇರಬಹುದು ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ರೇಟ್ ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಪೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 25 ರೂಪಾಯಿ ಗ್ಯಾಸ್ ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2-3 ಮೂರು ಸಲ ಗ್ಯಾಸ್ ರೇಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ರೇಟ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಏನೋ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಂದ ಕಡು ಬಡವರಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದೇ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ